Hello everyone, welcome to LK Academy. Today we will continue with your current affairs lecture number 9. Okay, I hope you have gone through the previous lectures. Okay, let me know if you encounter any doubt. Okay, चलिए तो आज पहले हम जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए टू सॉल्व ऑन योर सेल्फ, ओके, उसके आंसर्स दे देता हूँ. तो पहला क्वेश्चन आपका था रिलेटेड टू वाटर ट्राइब्यूनल्स ओके और इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल्स. सो आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. ओके, सो इफ यू हैव गॉन थ्रू ओके, चलिए तो आर्टिकल्स 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दैट इज योर करेक्ट आंसर. ओके, स्टेट्स कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अपॉन एन अनसेटिस्फैक्टरी अवार्ड गिवन बाय अ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग सेंटेंस. व्हाई रॉन्ग सेंटेंस? बिकॉज ट्राइब्यूनल इज द आउटर सिस्टम ऑफ द कोर्ट. ओके, कोर्ट में केसेस का जमावड़ा ना हो जाए, ओके, हर कोई कोर्ट में ना दौड़ जाए छोटी छोटी बातों के लिए, इसके लिए ट्राइब्यूनल की सिस्टम बनाई गई है. ओके, इसके लिए ट्राइब्यूनल का आइडिया हमारे यहाँ लाया गया है. ओके, ऑल द ट्राइब्यूनल्स आर क्वॉशी जुडिशियल बॉडी, वो एक किस्म की अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं. ओके, सो अगर किसी पार्टी को, ओके, जो इन्वॉल्व्ड है कोई केस में, उनको अगर ट्राइब्यूनल का दिया हुआ फैसला मंजूर नहीं होता है, तो वो बेशक आगे के स्टेप दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में पार्टीज कौन होंगे, हर कोई स्टेट होगा, तो वो हाई कोर्ट में ना जाकर कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. और बल्कि यहाँ पे आपको पूछा गया है स्टेट्स कैन नॉट अप्रोच, जबकि होना चाहिए सही क्या, स्टेट कैन अप्रोच. ओके, इफ द अवार्ड गिवन बाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इज अनसेटिस्फैक्ट्री. ओके, सो सेकेंड सेंटेंस जो है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा. ओके, सो आपको यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर नॉट करेक्ट. ओके, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, मात्र दो. ओके, ओनली टू. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, आई होप इट इज क्लियर एंड यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. Now question number 2 is related to Godavari river which we have covered in last lecture. Okay, consider the following statement with reference to Godavari river. Godavari river rises from the Mahabaleshwar in Maharashtra. Okay, this is wrong. Why? Because this is the correct answer. Trambakeshwar, Maharashtra. Vainganga, Indravati and Kabini river are its tributaries. This is also wrong. Why? आपको दिया गया है ट्रिब्यूटरीज कौन सी है. ओके, तो लेफ्ट विंग की ट्रिब्यूटरीज आपको अगर इमेज दिख रहा है तो इमेज में भी सेम चीज दी हुई है. ओके, सो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड सबरी रिवर. एंड राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है प्रवरा, मंजीरा एंड मुनेर. ओके, चलिए और तीसरा सेंटेंस आपको दिया गया है इट फॉर्म्स अ डेल्टा. ओके, तो वो डेल्टा फॉर्म करता है. ओके, 13,000 किलोमीटर स्क्वायर जितना डेल्टा ऑलमोस्ट वो फॉर्म करता है. ओके, चलिए, सो दिस इज करेक्ट. ओके, सो आपको यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, ये भी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कवर किया था. इट इज़ अ फैसिलिटी ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम RBI थ्रू WMA. द इंटरेस्ट ऑन WMA बोरोइंग्स इज चार्ज्ड एट रेपो रेट. ओके, सो दिस इज राइट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओके, सो टू, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली इज करेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज वर्ल्ड मलेरिया डे. ओके, सो उसको वर्ल्ड मलेरिया डे को मनाया जाता है 25th ऑफ अप्रैल को.
25th ऑफ अप्रैल को मनाया जाएगा एवरी ईयर टू हाईलाइट द नीड फॉर कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. मलेरिया इज प्रिवेंटेबल एज वेल एज क्योरेबल. थीम फॉर 2020 क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी. ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और उसका दिन याद रखना है कि कौन सी डेट को वो मनाया जाता है. ओके, सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. द 2019 रिपोर्ट शोड नो ग्लोबल गेन्स इन रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 2014 टू 2018. ओके, सो ये जो 2019 का रिपोर्ट है वो कौन से डेटा को एनालाइज करता है? 2014 से लेकर 2018 तक का जो पीरियड है, ओके, उसको वो एनालाइज करेगा 5 सालों के लिए. ओके, अब हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट. तो अब आने वाले सालों में मलेरिया के केसेस को कम करने के लिए, ओके, ये वाला जो नया रिपोर्ट है 2019 का, उस पर 4 पिलर्स का आइडिया दिया गया है. ओके, और वो 4 पिलर्स कौन से हैं? पॉलिटिकल विल टू रिड्यूस मलेरिया डेथ्स. जनरली देखिए WHO काफ़ी अच्छा प्लान बनाकर देता है, ओके, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी भी बनाकर देता है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ गुड गवर्नेंस वो स्ट्रेटेजी बहुत सारे कंट्रीज में काम नहीं कर पाती. ओके, कई बार ये होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास और कई इश्यूज होते हैं रादर देन टू फाइट दी मलेरिया. ओके, सो इसीलिए पहले पिलर के तौर पर रखा गया है पॉलिटिकल विल टू रिड्यूस मलेरिया डेथ्स. ओके, जब तक गवर्नमेंट की इच्छा नहीं होगी तब तक मलेरिया को घटाया नहीं जाएगा. ओके, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है. सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टू ड्राइव इम्पैक्ट. ओके, थर्ड इज बेटर गाइडेंस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज. फोर्थ इज अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल मलेरिया रिस्पॉन्स. ओके, तो ये 4 पिलर आपको जस्ट एक बार ध्यान में रखने हैं. कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई मलेरिया डे के लिए WHO के द्वारा तय किए गए पिलर्स में से नीचे में से कौन सा है या कौन सा नहीं है. ओके, सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. WHO ऑफिशियली एंडोर्सेस डिजीज स्पेसिफिक ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर ओनली 4 डिजीजेस इंक्लूडिंग मलेरिया. ओके, तो अगर किसी 4 दिन को डिजीज स्पेसिफिक डे के तौर पे मनाया जाता है तो ऐसे 4 डिजीज हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, पहला है 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे. दूसरा है 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे. तीसरा है 28 जुलाई वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे. एंड चौथा हमने देख लिया 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे. ओके, और किसी डे को स्पेसिफिक डिजीज डे के तौर पर नहीं मनाया जाता. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अब मलेरिया के बारे में हमको पता ही है. ओके, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज से ये फैलता है. ओके, पैरासाइट से स्प्रेड द पैरासाइट इन ह्यूमंस बाय बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरिंग द पैरासाइट टू अनदर. ओके, चलिए. वंस इनसाइड द न्यू होस्ट द पैरासाइट फ्लोस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू लीवर वेर इट मल्टीप्लाइज रैपिडली. ओके, तो मलेरिया में आपका जो लीवर है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं और वहाँ जो पैरासाइट है वो रैपिडली इंक्रीज होंगे. ओके, रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे. द पैरासाइट डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग फ्लू लाइक सिम्टम दैट इंक्लूड हाई फीवर एंड मसल एक्स. सिम्टम बिगिन इन 8 to 30 days आफ्टर इन्फेक्शन. ओके, सो malaria is one of the major diseases that infect million of people globally. Okay, chaliye. If not treated the infection can lead to kidney failure, seizure, coma and death. Okay, to dekhiye Africa aur Asia jaise deshon mein aaj bhi bahut si mautein malaria ki wajah se ho jati hai. Kyun? Lack of medical treatment, गुड मेडिकल ट्रीटमेंट. ओके, सो आज भी ये गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग के मलेरिया को किस तरीके से कम किया जा सके. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज मलेरिया. ओके, नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम. ओके, सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज
हैज इश्यूड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायती राज डे 24th ऑफ अप्रैल. ओके, अब मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या है ये स्कीम. तो ये स्कीम है कि आने वाले सालों में जो विलेजेस है उनको सही तरीके से मैप किया जाएगा. ओके, उनकी जो बॉर्डर्स है वो एज ऑफ नाउ काफी ब्लर है. ओके, तो उनको आने वाले सालों में ड्रोन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, ओके, उनको सही तरीके से मैप किया जाएगा. इससे क्या फायदा होगा कि कभी लैंड डिस्प्यूट होंगे, ओके, या कभी एरिया डिस्प्यूट्स होंगे बिटवीन दी ग्राम पंचायत, तो उनको इजीली रिजॉल्व किया जा सकेगा. ओके, चलिए, स्वामित्व का पूरा नाम पहले तो आपको याद रखना है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ओके, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. So this Swamitva scheme is collaborative effort of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Departments, State Revenue Departments and Survey of India. Survey of India जो आपके authorized maps बनाता है, okay, state map, city maps और country map, okay, so that is Survey of India. इसका aim क्या है? To provide integrated property validation solution for rural India. ओके, आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो कई सारे केसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि कोई एक जमीन है बट वो पता नहीं कि कौन सी ग्राम पंचायत में बिलोंग करती है. ओके, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव जो बसे हैं, ओके, मान लीजिए कि 500-600 का एक गांव है, उसके नज़दीक में 10 कदम चलोगे और 500-600 लोग रह रहे हैं. ओके, तो इस वजह से जो बाउंड्रीज है वो लीगली डिफाइन नहीं है वहाँ पे आज भी. ओके, सो उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा. ओके, इट इज अ स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन दैट इज नोन एज कोर्स. ओके, द मैपिंग विल बी डन अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज वाइज मैनर ओवर द पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2020 टू 2024. ओके, सो आने वाले 4 सालों में फेज वाइज हर स्टेट के गांवों को मैप किया जाएगा, उनको बॉर्डर में डिवाइड किया जाएगा. इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, दिस द स्कीम विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन इन रूरल एरियाज एंड एंश्योरिंग क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, देखिए, आज तक क्या होता था, जैसे आप शहरों में रहते हो तो आप सिटी टैक्स भरोगे, रोड टैक्स भरोगे, वाटर टैक्स भरोगे. गाँवों में ऐसी कोई सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है. ओके, तो वो लोग कौन सी पंचायत में बिलोंग करेंगे? ओके, कोई गांव है, कोई ज़मीन है, तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी. ओके, और स्ट्रीमलाइन प्लानिंग में बेनिफिट मिलेगा. ओके, द स्कीम विल एनेबल क्रिएशन फॉर बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स यूजिंग द मैप्स क्रिएटेड अंडर द प्रोग्राम. तो बेहतर मैप, अगर क्लियर मैप होंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर पंचायत को कोई ग्रांट दी जा रही है तो वो उसी के एरिया में उसके डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सकेगा. द ग्राम पंचायत सर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. द GPDP बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन कन्वर्जेंस विद स्कीम्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज लाइन डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, ओके, जब मैपिंग स्टार्ट किया जाएगा तो उसके लिए पहले 6 राज्यों को चुना गया है. ओके, 6 states एज अ पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं, वो होंगे हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. ओके, सो 2020 से 2024 का जो पीरियड है, ओके, तो मान लीजिए पहले 1 साल में इन 6 states को चुना गया है, इनके गांवों को पहले मैप किया जाएगा, बॉर्डर के थ्रू डिफाइन किया जाएगा. ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिपरी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है. ओके, एंड
दैट रिपोर्ट इज नोन एज रिलेटेड टू वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ओके, और वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंसेस। कोई देश अपने टोटल बजट का कितना हिस्सा डिफेंस में एक्सपेंड करता है, ओके, उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आपको इंफॉर्मेशन देता है, ओके। तो पहले तो सिप्री क्या है, तो सिप्री इज नोन एज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज अ थिंक टैंक विच इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन टू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, ओके। तो डिफेंस और सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या रिसर्च है उसको ये लोग एनालाइज करेंगे ऑन सिप्री, ओके। इट वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1966 एट स्टॉकहोम स्वीडन, ओके। इट प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन रिसोर्सेज टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक, ओके। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रोज टू 1917 बिलियन इन 2019 विद इंडिया एंड चाइना इमर्जिंग अमॉन्ग द टॉप थ्री स्पेंडर्स, ओके। तो इंडिया टॉप थ्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाले कंट्रीज में आ चुका है, ओके। चलिए, और रिपोर्ट का अगर आपको टेक्निकल नेम पूरा नाम जानना है तो दैट इज ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, ओके, कैसे ट्रेंड्स बदला है, ओके। तो ये थोड़ा आपको डेटा दिया गया है, ओके, आपको स्पेसिफिक परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंडिया का वो डेटा आपको याद रखना है, ओके। चलिए, तो टॉप फाइव जो लार्जेस्ट स्पेंडर्स है, ओके, वो टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर का 62% जो है उसको अकोमोडेट करते हैं, ओके। देखिए, टॉप फाइव लार्जेस्ट स्पेंडर्स अकाउंटेड फॉर 62% ऑफ द ग्लोबल एक्सपेंडिचर, ओके। और पहला जो सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्च करता है वो कौन है, यूएसए, दूसरा है चाइना, इंडिया, तीसरा रशिया ऑन फोर एंड सऊदी अरेबिया ऑन फिफ्थ नंबर। हम 2018 में जब ये रिपोर्ट आया था तो वी वर ऑन फोर्थ पोजीशन, ओके। तो हम एक नंबर, एक रैंक आगे आए हैं और अब हमारा रैंक है फोर्थ, ओके। तो हमने सऊदी अरेबिया और रशिया को भी ओवरकम कर लिया है, ओके। चलिए, और कौन से मेजर प्लेयर्स है, सो जापान है एंड साउथ कोरिया है, ओके। चलिए, हमारे नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान है 24th पोजीशन पे, ओके, जो कि था 2018 में 19th पोजीशन पे। पाकिस्तान की हालत हमें पता है, ओके, तो उसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, एंड दैट्स वाई उसका रैंक भी कैसे गया है, पीछे गया है, ओके। चलिए, और ये है आपका इंडिया स्पेसिफिक डेटा, ओके। सो द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट द इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ग्रोइंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, हाउएवर दिस डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज बीन गोइंग डाउन एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ओके। तो जो बिलियन ऑफ डॉलर्स है, ओके, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो हमारा जो खर्च है डिफेंस में वो बड़ा है, बट जब आप परसेंटेज वाइज देखने जाओगे तो वो थोड़ा कम हुआ है, ओके। तो 2010 में वो था 2.7%, जो 2019 में हो गया है 2.4% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके, आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दी नंबर्स, ओके। अब आपको एक सवाल उठना चाहिए कि भाई क्यों इतना इंडिया डिफेंस के पीछे एक्सपेंडिचर कर रहा है, ओके, क्यों इतना खर्च डिफेंस के पीछे किया जा रहा है, अगर वो पैसा बाकी के सेक्टर में लगाया जाएगा, ओके, मैन्युफैक्चरिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या हेल्थ में, एजुकेशन में, ओके। बट क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल जो प्लेस है वो ऐसा है कि हम हर तरफ से ऐसे नेबर्स से घिरे हुए हैं कि जो हमेशा रेडी रहते हैं टू अटैक अस,
पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान बॉर्डर इज ऑल्सो नॉट स्टेडी, बांग्लादेश बॉर्डर इज ऑल्सो नॉट स्टेडी, ओके, श्रीलंका बॉर्डर है जो कोस्ट वाला जो पूरा इलाका है, वहाँ से हमले की हमें हमेशा शक रहता है कि भाई यहाँ से हमला हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से वी आर बाउंड टू स्पेंड मिलियन ऑफ डॉलर्स इन डिफेंस सेक्टर। ओके, अगर हम डिफेंस सेक्टर में इतना खर्च नहीं करेंगे, हमारी आर्मी नेवी या एयरफोर्स को हम अपग्रेड नहीं करते रहेंगे, ओके, तो उसका फायदा जो राह देख के बैठे हम पे अटैक करने के लिए, उन लोगों को हो जाएगा। ओके, चलिए। हाँ, और यही रीज़न आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इंडियाज़ टेंशन एंड राइवलरी विथ बोथ पाकिस्तान एंड चाइना आर अमंग द मेजर ड्राइवर्स फॉर इट्स इंक्रीज्ड मिलिट्री स्पेंडिंग। ओके, चलिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए जीआई टैक्स टू टू प्रोडक्ट्स। ओके, एक्चुअली तीन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, हम बात करेंगे। पहला है आपका मणिपुर के एक खास प्रकार के राइस है जिनका नाम है चाखाओ। ओके, दूसरे है उत्तर प्रदेश का जो टेराकोटा आर्ट है, ओके, उसको, और तीसरा है कश्मीरी सेफरन को। तो इन तीन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग रिसेंटली मिला है। ओके, चलिए। रिसेंटली चाखाओ द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर एंड द गोरखपुर टेराकोटा हैव बैग्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, अब चाखाओ क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है फॉर योर रेफरेंस। सो चाखाओ इज एन सेंटेड ग्लूटेनियस स्टिकी राइस विच हैज बीन इन कल्टीवेशन इन मणिपुर ओवर सेंचुरीज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पेशल अरोमा। ओके, तो अगर आप फूड शोज देखते हो, ओके, तो आपको पता होगा कि एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज है, फिलीपींस है या म्यांमार है, तो उनमें खास प्रकार के व्हाइट स्टिकी राइस खाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रिजेंबल टू दैट काइंड ऑफ अ राइस। ओके, बट उसका कलर कौन सा होगा? ब्लैक कलर के वाइट स्टिकी राइस है जिसको नाम दिया गया है चाक हाउ। ओके, द राइस इज ब्लैक इन कलर एंड इट टेक्स द लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम ऑफ 40-45 मिनट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबरस ब्रेन लेयर एंड हायर क्रूड फाइबर कंटेंट। ओके, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से वो 45 जितना ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में। ओके, इट इज नॉर्मली ईटन ड्यूरिंग द कम्युनिटी फिस्ट एंड इज सर्व्ड एज चाखाओ खीर। ओके, तो जनरली जब कोई सेलिब्रेशन का टाइम होगा, ओके, या जब फैमिली गैदरिंग होगा, तब चाखाओ खीर के तौर पर ये खाया जाता है। चाखाओ हैज बीन यूज्ड बाय ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, तो मणिपुर के कुछ हिस्सों में उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर भी यूज किया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है चाखाओ बिलोंग्स टू मणिपुर एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टिकी राइस। ओके, चलिए। गोरखपुर टेराकोटा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इमेज, ओके, फॉर योर रेफरेंस, सो इट इज एन आर्ट फॉर्म। ओके, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है विच बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ गोरखपुर, और नाम दिया गया उसको टेराकोटा आर्ट। ओके, द एंटायर वर्क इज डन विथ बेयर हैंड्स। द क्ले यूज्ड इन द टेराकोटा प्रोडक्ट इज काबीज क्ले। ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइप की क्ले से ये जो टॉयज है या छोटे छोटे खिलौने हैं, ओके, उनको बनाया जाता है थ्रू द काबीज क्ले विच इज फाउंड इन द पॉन्ड्स ऑफ औरंगाबाद बहरवालिया एंड बदुवादी विलेजेस एरियाज। ऑल्सो सच क्ले इज फाउंड ओनली इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून एज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ वाटर। ओके, तो जो पॉटर्स है वो लोग क्या करेंगे, मई और जून में क्ले इकट्ठा कर लेंगे, ओके, और बाकी के टाइम में क्ले से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स वो लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ओके, पॉटर्स डू नॉट यूज एनी कलर, दे ओनली डिप द क्ले स्ट्रक्चर इन अ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड मैंगो ट्री बार्क्स एंड बेक इट। ओके, तो उसको पकाया जाएगा, ओके, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। एक बार जो स्ट्रक्चर जब बन जाएगा उसको पकाया जाएगा ताकि वो आसानी से टूटे ना।
ओके द रेड कलर ऑफ द टेराकोटा डज नॉट फिट फॉर योर, और ये गोरखपुर टेराकोटा जो आर्ट है वो वहाँ की स्पेशलिटी है, एंड दैट्स वाई द जी आई टैग इज गिवन टू टेराकोटा आर्ट। ओके, और जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो कौन से वो आपको दी हो यहाँ पे। ओके, एलिफेंट्स बनाए जाएंगे, हॉर्स बनाए जाएंगे, डियर, कैमल, फाइव फेस्ड गणेशा, सिंगल फेस्ड गणेशा, एलिफेंट टेबल, शेंडेलियर्स, हैंगिंग बेल्स एट्सेट्रा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस मिट्टी से बनाई जाएगी थ्रू दी काबीज क्ले। ओके, चलिए तीसरा जीआई टैग मिला है कश्मीर की सेफरन को, जिसको हम कहेंगे केसर। ओके, रिसेंटली द कश्मीर सेफरन गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस। ओके, सेफरन कल्टीवेशन इज बिलीव्ड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स अराउंड 1st century BCE। तो तब से कश्मीर में सेफरन की जो कल्टीवेशन है, सेफरन की जो फार्मिंग है वो की जा रही है। ओके, पिक्चर में आपको दिख रहा है जो पर्पल कलर का जो फ्लावर है वो सेफरन का फ्लावर है। ओके, और उसमें से आपको सेफरन मिलेगी जो गहरे लाल रंग की या हल्के से ऑरेंज रंग की सेफरन आपको देखने को मिलेगी। ओके, इट हैज बीन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल कश्मीरी कुजीन एंड रिप्रेजेंट्स द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द रीजियन। इट इज अ वेरी प्रेशियस एंड कॉस्टली प्रोडक्ट। ओके, ऐसे आप मार्केट में लेने जाओगे तो किलो या 2 किलो केसर उठा के नहीं आओगे कभी भी। ओके, केसर हमेशा आपको ग्राम में मिलेगी, 10 ग्राम 20 ग्राम। ओके, क्यों? क्योंकि वो काफी महंगी है, उसको काफी मुश्किल से कल्टीवेट किया जाता है। ओके, और कश्मीरी केसर को क्यों सेफरन टैग दिया गया है? सो कश्मीरी केसर इज द ओनली केसर जो 1600 मीटर टू 1800 मीटर के एल्टीट्यूड पे कल्टीवेट की जाती है, उसकी जो फार्मिंग है वो इस ऊंचाई पे की जाती है। ओके, सो इट इज द ओनली सेफरन दैट इज ग्रोन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1600 टू 1800 मीटर अबोव मीन सी लेवल। इट हैज़ ए लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास, नेचुरल डीप रेड कलर, हाई अरोमा, बिटर फ्लेवर, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग। इट ऑल्सो हैज अ हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसीन, सेफरनल एंड इक्रोक्रोसीन। ओके, सो उसकी बिटरनेस जो है वो उसी की वजह से आएगी। ओके, इट इज कल्टीवेटेड इन हार्वेस्टेड इन कारेवा हाई लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो पर्वत की जो ढलान है उसके ऊपर केसर की खेती की जाती है, एंड दैट मेक्स इट यूनिक। ओके, चलिए, और 3 अलग अलग टाइप है जो कश्मीर में मिलती है, लच्छा सेफ्रॉन, मोंगरा सेफ्रॉन एंड गुची सेफ्रॉन। ओके, यूजेस कश्मीर सेफ्रॉन इज यूज ग्लोबली एज अ स्पाइस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिवाइटलाइजिंग हेल्थ। इट इज यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑल्सो। ओके, अब टैग का बेनिफिट क्या है? ओके, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग कब मिलेगा? जब वो उस पर्टिकुलर रीजन की स्पेशलिटी हो। अब जीआई टैग मिलने से फायदा क्या होगा? कि उसको ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन मिलेगा। ओके, तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा, लोग ज्यादा उसकी बिक्री करेंगे। ओके, खरीदारी करेंगे, और ऐसा होने से जो लोकल इकोनॉमिकल बेनिफिट है, ओके, वो वहाँ के लोगों को मिलेगा। तो जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। ओके, चलिए, विथ द जीआई टैग कश्मीर सेफ्रॉन वुड गिव मोर प्रोमिनेंस इन टू द एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफरन एंड इंडिया इज ई क्लोजर कंपेटिटर। ओके, सो एज ऑफ नाउ करंट सीनरियो में ईरान जो है वो सबसे ज्यादा केसर की खेती करता है। ओके, हमें पता है कि ईरान और बाकी सारे जो स्पाइसेस है, ओके, उनकी भी खेती में, उनकी भी फार्मिंग में आगे है। ओके, चलिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इट इज एन इंसिग्नियन प्रोडक्ट हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज विद रिगार्ड्स टू स्पेशल क्वालिटी और रेप्यूटेड एट्रीब्यूट्स। ओके, इट इज अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड एंश्योर्स दैट रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड यूजर्स और एटलीस्ट दोज रिजाइडिंग इनसाइड ज्योग्राफिक टेरिटरी आर अलाउड टू यूज
popular product names. GI tag is in India is governed by Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999. ओके, तो इंडिया में जो GI टैग दिए जाते हैं वो इस एक्ट के तहत दिए जाते हैं, और जो संस्था इसको देती है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओके, और जो गवर्नमेंट बॉडी इसको हैंडल करती है, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई. ओके, तो अगर आपको लगता है कि भाई आपके एरिया को कोई प्रोडक्ट को GI टैग की ज़रूरत है, तो आपको अगर वो एप्लीकेशन पहुँचाना है, सो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में वो पहुँचाना पड़ेगा. ओके, और बेनिफिट ऑफ GI टैग क्या है? इट प्रोवाइड्स अ लीगल प्रोटेक्शन टू इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, दस प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द रजिस्टर्ड GIs बाय अदर्स. इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ज्योग्राफिकल टेरिटरी. द GI प्रोटेक्शन इन इंडिया लीड्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज, दस बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स. ओके, चलिए, तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा तो जो लोकल जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट GI टैग. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव. अ टोटल ऑफ 415 फ्लाइट्स हैव बीन ऑपरेटेड अंडर द लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव by various air carriers. The cargo transported till date is around 779.86 tons, and aerial distance covered by Lifeline Udaan flights is over 4 lakh kilometers. Okay, चलिए अब मैं पहले आपको थोड़ा background दे देता हूँ. What is Lifeline Udaan? Lifeline Udaan. तो इंडिया के जो हिस्सों में COVID-19 pandemic के दौरान जो मेडिकल सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा था, उसको पहुंचाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने किया है थ्रू दी कार्गो प्लेन्स. ओके, और उस योजना के तहत जो प्लेन्स उड़ाए गए, जो कार्गो प्लेन्स को एक जगह से दूसरी जगह में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लिया गया, दैट स्कीम इज नोन एज लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव. This is completely different from Udaan scheme, Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme. Okay, what is Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme? The domestic flights, domestic aviation sector ko zyada viable banane ke liye affordable prices mein aapko air facility muhaiya karwai jayegi. Okay, but this is totally different. ओके, चलिए देखते हैं. द लाइफलाइन उड़ान इंटेंड्स टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल मेडिकल कार्गो टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एमिड द लॉकडाउन टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19. ओके, तो हमको पता था कि ट्रेन्स बंद हो गई थी, सारे जो ट्रक्स थे, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया था, बट मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल जो बाकी सारे जो एसेंशियल चीज़ें थी उनको कार्गो द्वारा एक जगह से दूसरी जगह रिमोट पार्ट में पहुंचाया गया. द एसेंशियल कार्गो इंक्लूड्स गुड्स सच एज रीजेंट्स, एंजाइम्स, मेडिकल इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स एंड PPE, मास्क एंड ग्लोव्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एज एप्लीकेबल बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स. इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू एंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स even in the most remote locations in the country. However, the supply special focus has been on the northeast region, island territories and the hilly states. Okay, it is to be noted that Lifeline Udaan is different from Udaan, where the former focus is on the transport of medical essentials to fight against the COVID-19. And the latter focuses purely on the regional connectivity in the country. Okay, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है. उड़ान स्कीम अलग है और लाइफलाइन उड़ान स्कीम अलग है. ओके, उड़े देश का आम नागरिक वॉज लॉन्च इन 2016 टू बूस्ट द रीजनल कनेक्टिविटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. इट इज एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट
क्यों? क्योंकि क्या था ये स्कीम? इट एम्स टू क्रिएट अफोर्डेबल येट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स ऑन रीजनल रूट्स सो दैट फ्लाइंग बिकम्स अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक। ओके, आपको जस्ट ये फैक्ट याद रखना है, इंडिया हैज अपॉइंटेड टी एस त्रिमूर्ति एज इट्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक डेलीगेशन वहाँ पे एंगेज किया हुआ है ताकि वो अपने देश की बातें वहाँ पे रख सके। ओके, हर बार तो प्राइम मिनिस्टर या फिनेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री वहाँ पे जाके नहीं बैठेंगे। ओके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पे जाके नहीं बैठेंगे, तो जो डे टू डे वहाँ पे जो फंक्शनिंग जो होगा वो इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन है वो करेगा। सो इस डेलीगेशन के हेड के तौर पर अब तक सैयद अकबरुद्दीन काम कर रहे थे, अब उनको रिप्लेस करके, वो अब रिटायर हो रहे, उनको रिप्लेस करके टी एस त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। ओके, विच विल रिप्रेजेंट इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो इट इज क्या है परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस? इट इज द डिप्लोमेटिक मिशन दैट एवरी मेंबर स्टेट डेप्यूट्स टू द यूएन। इट इज हेडेड बाय अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हु इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द यूएन एम्बेसडर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 क्लॉज 7 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल कैरेक्टर। ओके, इज अ मिशन ऑफ परमानेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट सेंट बाय द स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए, तो बेसिकली किसी कंट्री ने जो भेजा हुआ है जो डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस में, वो वियना कन्वेंशन के अंडर काम करेगा। ओके, और कौन सा वियना कन्वेंशन है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं? दैट इज वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। ओके, जो कि हमने पढ़ा था जब अभिनंदन को वापस इंडिया को लौटाया गया था, और दूसरा है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963। ये हमने पढ़ा था जब कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान ने मना कर दिया था फॉर द कॉन्सुलर एक्सेस। हम गए थे आईसीजे में, इंडिया गया था आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां से जो वर्डिक्ट आया था कि भाई कुलभूषण जाधव शुड बी गिवन कॉन्सुलर एक्सेस अंडर वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963, तब जाके पाकिस्तान हमें कॉन्सुलर एक्सेस दिया था। ओके, चलिए, ये सारी चीजें जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ। ओके, चलिए, तो यूएन परमानेंट मिशन जो है, ओके, वो तो सारे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे बैठेंगे? न्यूयॉर्क सिटी में, एंड द अदर ऑफ एट द अदर ऑफिसेस इन जिनीवा, वियना एंड नैरोबी। ओके, तो यूएन की बाकी सारी ब्रांचेस आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जिनीवा, वियना एंड नैरोबी। ओके, एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा स्टफ रिगार्डिंग द इंडियाज परमानेंट मिशन एट द यूनाइटेड नेशंस। ओके, इन सालों में, ओके, कब से ये स्टार्ट हुआ था? ओके, तो 1942 में हमने ये साइन कर लिया था कि जैसे यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई बॉडी होनी चाहिए। ओके, और 1945 में बाद में यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। ओके, एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन एंड हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ द चार्टर एंड द इवेल्युएशन ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स एंड एजेंसीज। ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज करेंसी चेंज इन ईरान। ओके, ईरान्स पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल अलाउिंग द गवर्नमेंट टू स्लैश 4 जीरोज फ्रॉम द रियाल। तो करंट जो करेंसी है वहां पे वो है रियाल, और जो नई जो करेंसी वहां पे एक्सेप्ट होने वाली है वो है तोमान। ओके, क्यों ऐसा किया गया? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन।
अभी ईरान में ड्यू टू इंटरनेशनल सेंक्शंस, ओके, आईएमएफ ने सेंक्शन लगा के रखा है, यूनाइटेड नेशंस ने सेंक्शन लगा के रखा है, यूएसए ने सेंक्शन लगा के रखा है, यूएसए ने बाकी कंट्रीज को बोला है कि अगर आपको ईरान से कोई सामान नहीं खरीदना है, ऑयल नहीं खरीदना है, तो इसकी वजह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, ईरान की जो इकोनॉमी है, वो एकदम खस्ता हालत में चल रही है। इसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रीडिनोमिनेशन का रास्ता अपना रही है। ओके, रीडिनोमिनेशन का मतलब क्या है कि अभी की जो करेंसी है उसको रीवैल्यूएशन उसका किया जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर अभी आपके पास 10,000 रियाल पड़े हैं, ओके, अभी इन्फ्लेशन का पहले तो मतलब क्या है कि चीजों के दाम भयंकर तरीके से बढ़ जाएंगे, ओके, और आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी इन लेमन लैंग्वेज। तो मान लीजिए कि अगर आपको 1 किलो आटा अगर मार्केट में खरीदने जाना है, ओके, तो अगर कोई इन्फ्लेटेड कंट्रीज है तो वहां पे आपको लोकल करेंसी के 10,000 यूनिट्स या 20,000 यूनिट्स लेके जाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है और अगर मुझे 1 दर्जन बनाना खरीदने जाना है, केले खरीदने जाना है 1 दर्जन, अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो वो मुझे 20 रुपये में 30 रुपये में मिलेंगे। बट अगर मेरा कंट्री इन्फ्लेटेड है, मेरी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में आ चुकी है, तो वही 1 दर्जन बनाना मुझे 10,000 रुपये या 15,000 रुपये लेके मुझे जाना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कम हो चुकी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ईरान ने क्या किया है, 10,000 रियाल के बदले हर एक सिटीजन को सामने क्या दिया जाएगा, एक तोमान दिया जाएगा जो कि नई करेंसी है। ओके, एक तोमान, इससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन करने में मदद मिलेगी, और जो लोकल मार्केट में जो ट्रांजिशन होता है, ओके, मैं 1 किलो 1 दर्जन बनाना लेने जाऊंगा और हर बार हर इंसान उसको बंदे को 15,000 रुपये देगा, ओके, 2 घंटे में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा करेंसी को ट्रांजिशन में। ओके, सो इसीलिए तोमान की नई करेंसी वहां पे इंट्रोड्यूस की जा रही है। ओके, अंडर द बिल ईरान नेशनल करेंसी विल बी चेंज्ड फ्रॉम द रियाल टू द तोमान व्हिच इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। ओके, अब रीडिनोमिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ कंट्रीज करेंसी इज रिवैल्यूड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवेल्युएशन, और व्हेन अ कंट्री अडॉप्ट्स अ न्यू करेंसी एंड नीड्स टू एक्सचेंज द ओल्ड करेंसी फॉर अ न्यू वन एट अ फिक्स्ड रेट। ओके, इन सिंपलर सिंपलर वर्ड्स, इट इज एक्सचेंजिंग ओल्ड करेंसी फॉर न्यू करेंसी और चेंजिंग द फेस वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग नोट्स सर्कुलेशन। ओके, तो सिंपल टर्म्स में आपको याद रखना है कि ईरान के जो रेसिडेंट्स होंगे, वो जो रियाल्स उनके घर में पड़े होंगे, वो रियाल बैंक में जाके जमा करवाएंगे और उसके सामने बैंक वाले उनको क्या देंगे, एज अ करेंसी तोमान उनको एज अ करेंसी दिया जाएगा। ओके, चलिए, एलिमिनेटिंग 4 जीरोस वाज अ नेसेसरी एक्शन टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको बताया। ओके, कि हर कोई ऐसे 15,000 50,000 रुपये लेके छोटी सी चीज खरीदने जाएगा, ओके, तो जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो काफी मुश्किल हो जाएंगे। ओके, इट वुड वास्टली सिंप्लीफाई फाइनेंशियल कैलकुलेशन बाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ईरानियन शॉपर्स टू कैरी लोड्स ऑफ रियाल्स टू मेक परचेजेस विच दे हैव टू डू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, और इसके लिए ईरान की सेंट्रल बैंक को, विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, 2 साल का समय दिया गया है, 2 ईयर्स टू इम्प्लीमेंट द चेंज फॉर रिमूविंग रियाल फ्रॉम सर्कुलेशन एंड इश्यूइंग तोमान इंस्टेड। ओके, तो आज से 2 साल में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ओके, और उसका बैकग्राउंड में आपको बता चुका कि क्रिपलिंग यूएस सेंक्शन, ओके, और इसकी वजह से उसकी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में काफी गिरती हुई चली जा रही थी, जिसको काउंटर करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। और ये जो मैंने आपको मैप दिया है, वो मैप मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि हम लोग पढ़ चुके थे दिस, ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, वहीं से पूरी ईरान डील हमने पढ़ी थी, यूएस सेंक्शन पढ़े थे, इंडिया
इंडिया ईरान रिलेशंस हमने डिस्कस किए थे, ओके तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस, ओके इन दी वर्ल्ड मैप, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए वाइजेग गैस लीक, ओके। एक और ट्रेजेडी हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, ओके। देखिए क्यों वाइजेग गैस लीक हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस कैन बी आज इन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, ओके। चलिए, रिसेंटली अ गैस लीक हैज अफेक्टेड 5 विलेजेस इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। द सोर्स ऑफ द गैस लीक वॉज स्टाइरीन प्लांट, ओके। स्टाइरीन प्लांट ओन्ड बाय साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट एलजी लोकेटेड इन दी एरिया, ओके। अब लॉकडाउन में तो फैक्ट्रीज बंद थी, इसलिए क्या था, वहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन फैक्ट्री में नहीं था। अब क्या हुआ कि गर्मी जब जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जो टैंक में जो लिक्विड स्टाइरीन रखा हुआ था, ओके, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से, पॉलीमराइजेशन की वजह से, कहीं से तो वो स्टाइरीन लीक हो गया, ओके। एंड दैट्स वाई वो स्टाइरीन एटमोसफियर में फैल गया और 8 से 9 लोगों की मौत हो गई और 5,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए, उन लोगों ने इनहेल कर लिया, ओके। सो दिस वॉज ड्यू टू स्टेग्नेशन एंड चेंजेस इन टेम्परेचर, ऑटोपोलीमराइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी, केमिकल रिएक्शन जो हुई, उसकी वजह से वेपर में कन्वर्ट हो गया जो लिक्विड स्टाइरीन था, और एक में से दो, दो से चार, चार से आठ उसके जो एटम थे वो बढ़ते चले गए, ओके। अब हमें इस टॉपिक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, ओके, ये पूरा स्लाइड। स्टाइरीन के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्लास में, हमने, अगर आपको याद हो तो जब सूरत में ट्रेजेडी हुई थी, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, ओके। आज हम बात करेंगे स्टाइरीन के बारे में। सो स्टाइरीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द फॉर्मूला C8H8। कार्बन के ये 8 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 8 एटम मिलके क्या बनेगा, C8H8, ओके। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन C6H6। अगर आपने 10th के बाद अगर साइंस लिया होगा, ओके, तो आपने बेंजीन से रिलेटेड काफी सारे चीजें अपनी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ओके। इट इज स्टोर्ड इन फैक्ट्रीज एज अ लिक्विड बट इवेपोरेट्स इजीली एंड हैज टू बी केप्ट एट टेम्परेचर अंडर 20 डिग्री, ओके। तो जब लिक्विड से प्रेशर हटाया जाएगा, ओके, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वेपर को प्रेशर दिया जाएगा, ओके, वेपर अंडर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, इसके सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से ये आपको मिलेगा। स्टाइरीन इज फाउंड इन व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड इन नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यूजेस क्या है इसके, सो इट इज अ फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लासेस, रबर एंड लेटेक्स। तो वहां की फैक्ट्रीज में स्टाइरीन का इस्तेमाल आपको होता हुआ दिखेगा, ओके। चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट स्टाइरीन, ओके। अब इसका रिस्क ऑफ एक्सपोजर क्या है, तो ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आइज में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, मेम्ब्रेन इरिटेशन हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं, ओके। अगर ज्यादा इनहेल कर लिया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है, जो हमको रिसेंटली देखने को मिला, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म, ओके। चलिए, अब जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके कुछ ही घंटों में उनको स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसों की हेल्प कर दी, ओके। बट जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ओके, जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है, आपको मुझे बताना है कि वो कौन से गैस के साथ जुड़ी हुई है, ओके, जिसने काफी तबाही मचाई थी और वो आज तक याद की जाती है, ओके। तो तब हमारे पास इंडियन पिनल कोड के अलावा और कोई एक्ट नहीं था जो ऐसे मामलों के साथ डील कर सके, क्योंकि तब हम सीख रहे थे कि देश कैसे चलाना है, तब ये पहली ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, ओके।
उसके बाद आफ्टर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हमारे पास काफी सारे नए नए एक्ट संसद ने पास किए। ओके, तो पहला था भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम थे उनको जो मॉनेटरी क्लेम्स, ओके, मॉनेटरी हेल्प जो दी जा रही थी उसमें जरा भी डीले ना हो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पीडी और इक्विटेबली उनको मिल सके इसके लिए ये एक्ट बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के काफ़ी सारे एक्ट लाए गए। आपको अभी जैसे पता है, ओके, जैसे कोविड-19 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनको इंश्योर किया गया, ओके, प्रोटेक्शन हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया गया। तो कोविड-19 आया, लोगों ने हेल्थ वर्कर्स पे अटैक किया, तो अब हमें पता चला कि ऐसा भी हो सकता है और इसके लिए भी कोई रूल चाहिए। सो दैट्स वाई उनको पूरा इंश्योरेंस मिला कि भाई अगर कोई आप कोरोना डॉक्टर हो या नर्सिस हो या प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हो, अगर आपको अपनी ड्यूटी में रहते रहते अगर कोरोना लग जाता है तो आपको इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाएगा, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। या अगर आपको अटैक होता है तो वो जो अटैक किया उस बंदे को 3 साल या 5 साल की सजा दी जाएगी, रिग्रेस या इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी धीरे धीरे समय के साथ सीखती है। ओके, चलिए, उसके बाद एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट लाई गई, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। ओके, और आजकल जो हम देखते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री डालनी है मुझे तो जब तक एनवायरमेंटली उसको ग्रीन लाइट नहीं मिल जाएगी, आप वो फैक्ट्री या कोई भी यूनिट आप वहाँ पे नहीं डाल सकते। ओके, चलिए, तो दीज आर सम ऑफ द लॉज जो आपके, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्ट पॉज करके एक बार पढ़िए, हमने बहुत डिटेल में इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ओके, चलिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मिशन सागर। ओके, तो मिशन सागर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हेल्प थी कोविड-19 के रिलेटेड या मेडिसिन के रिलेटेड वो इन कंट्रीज में पहुंचाई है। ओके, कौन से कंट्रीज में पहुंचाई गई है? द कंट्रीज इंक्लूडिंग मालदीव्स, मॉरिशियस, मडागास्कर, कॉमोरोज, सशेल्स। ओके, और हम पढ़ा है जब हम लास्ट में मिले थे तो हमने इंडियन ओशन कमीशन के बारे में पढ़ा था। ओके, जिसमें इंडिया को रिसेंटली ऑब्जर्वर के तौर पे स्टेटस दिया गया है। ओके, तो वो इंडियन ओशन कमीशन के 5 कौन से कंट्रीज है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करेंगे? मॉरिशियस, मडागास्कर, कोमोरोस, सशेल्स एंड लारी लारी यूनियन। तो इन सारे कंट्रीज में इंडिया ने एक सिंगल असिस्टेंस मिशन किया जिसके अंतर्गत काफी सारी राहत सामग्री पहुंचाई गई। ओके, रिलीफ पैकेजेस वहां पे पहुंचाए गए। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दी सिंगल असिस्टेंस मिशन इज कवरिंग ऑल आइलैंड कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन इन वन गो एक्सेप्ट श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका इसमें इंक्लूडेड नहीं था, बाकी सारे इंडियन ओशन के जितने भी कंट्रीज थे वहां पे ये चीज पहुंचाई गई। ओके, और देखिए काफी सारे कंट्रीज ने, आपने फोटोज देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में, काफी सारे कंट्रीज ने इंडिया को काफी प्रेज किया है कि और किसी कंट्री ने हमारी मदद नहीं की, इंडिया ने हमारी काफी अच्छे तरीके से मदद की है। ओके, द असिस्टेंस इज इन लाइन विद इंडियाज रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ही सबसे बड़ा कंट्री है, बाकी सारे तो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, तो वहां पे इंडिया सबसे जल्दी पहुंच गया। ओके, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस अकॉर्डेड बाय इंडिया टू रिलेशंस विद हर नेबरिंग कंट्रीज एंड फर्दर स्ट्रेंथन्स द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। ओके, और सागर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द फुल फॉर्म इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया का विजन है। ओके, इंडिया ये चाहता है कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे इंडियन ओशन में बढ़ रहा है। हमने हम्बन डोटा पोर्ट की बात की थी, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि इंडिया इंडियन ओशन के जितने भी कंट्रीज है उसके साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ बेसिस पे काम करेगा। ओके, ताकि चाइना का प्रभुत्व यहाँ पे ना बढ़ पाए। ओके,
और इस मिशन के अंडर में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने की। सो डिप्लॉय मेडिकल असिस्टेंट्स टीम्स, ओके, जिन कंट्रीज के पास मेडिकल असिस्टेंट्स टीम नहीं थी वहाँ पे डॉक्टर और नर्सिस को भेजा गया, ओके, इन मॉरिशियस एंड कोमोरोस, हेल्पिंग देयर गवर्नमेंट्स टू डील विद कोविड इमरजेंसी एंड इन केस ऑफ कोमोरोस विद डेंगू फीवर ऑल्सो। डिलीवर कंसाइनमेंट्स ऑफ कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन टू मॉरिशियस, मडागास्कर, कोमोरोस एंड सशेल्स, एंड अबाउट 600 टन्स ऑफ फूड आइटम टू मालदीव्स। ओके, इन एडिशन इन केस ऑफ मॉरिशियस स्पेशल कंसाइनमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज ऑल्सो बींग सेट। ओके, तो मॉरिशियस को आयुर्वेदिक मेडिसिन भी भेजी गई। द कंसाइनमेंट ऑल्सो इंक्लूड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट, ओके, विच इज एन एसेंशियल टू फाइट कोविड-19, और इसके लिए इंडिया ने हर कंट्री को पॉसिबल हेल्प की है। ओके, और सागर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन ओशन। ओके, चलिए, तो आई होप एवरी टॉपिक इज नाउ क्लियर्ड। ये आपके कुछ और होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर्स बताने हैं। तो पहला है आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको उसका सही आंसर मुझे बताना है। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड इंडिया का क्या रिलेशन है। ओके, तो वो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जो ट्रेडिशन है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी पैर सही है या कौन सी पैर गलत है। ओके, वो आपको बताना है। चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।